Hello kids, how are you all? Hope you all are very fine. So today we'll have chapter number six of Civics, that is understanding media. so you all should carry a pencil in your hand and underline the important points so that tomorrow when I'm when I'll come in live class then I can ask you questions regarding that. Okay? So media se aap log kya मीडिया इज़ लाइक आप लोगों के लिए मीडिया सिर्फ इतना होता होगा ना कि द जर्नलिस्ट जो जर्नलिस्ट वगैरह घूमते हैं दैट इज़ कॉल्ड मीडिया कि वो इंटरव्यूज़ लेते हैं वो सब बट मीडिया इज़ अ वेरी वाइड टर्म है ना इट इज़ नॉट कन्फाइंड ओनली टू जर्नलिस्ट मीडिया बहुत वाइड टर्म है जिसमें काफ़ी कुछ आता है देखो इसके फर्स्ट में जो पिक्चर्स दिखा रखी हैं इसमें ऐसे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है कि आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम क्या है कौन सा शो आप रेडियो पे सुनना पसंद करते हैं कौन सी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन आप लोग रीड करते हैं इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं और करते हैं तो क्या चीज़ सर्फ करते हैं क्या सर्च करते हैं एंड यू नो दैट देर इज़ वन वर्ड दैट इज़ ओफन यूज टू कलेक्टिवली रेफर टू द रेडियो टी वी अंडरलाइन करेंगे रेडियो टी वी न्यूज़ पेपर इंटरनेट एंड सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन उस वर्ड को हम बोलते हैं मीडिया देखो मीडिया क्या क्या कवर करता है हमारा टीवी रेडियो न्यूज़पेपर इंटरनेट और जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जिससे हम बात कर सकते हैं जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं हम अपने थाट्स हम अपने व्यूज़ आगे रख सकते हैं अपने ओपिनियंस आगे रख सकते हैं उस वो सारी चीज़ कलेक्टिवली एक वर्ड के अंदर आती है दैट इज़ कॉल्ड मीडिया ठीक है तो इस चैप्टर में हम उसी मीडिया के बारे में पढ़ेंगे और मीडिया से हमारी डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट्स आते हैं उनका हम पढ़ेंगे ठीक है सो ऑन पेज नंबर सेवेंटी वन एवरी थिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर टू द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन टी वी कैन बी कॉल्ड मीडिया मतलब सब कुछ किसके अंडर आता है मीडिया पे जो भी आप एक आ, टीवी शो में देख रहे हैं टीवी के अंदर देख रहे हैं कि एक छोटे से फेयर के अंदर की कोई स्टॉल है और जो उसका प्रोग्राम बन चुका है उसके ऊपर इधर चाहे कोई मूवी बन चुकी है वो सब किसके अंडर आता है मीडिया के अंदर आता है मीडिया जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करेंगे मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम इसका प्लूरल फॉर्म है एज इट डिस्क्राइब द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी अर्लियर आर ऑल्सो आई टोल्ड यू कि द वे ऑफ कम्युनिकेशन वॉट एवर द वे ऑफ कम्युनिकेशन दैट ऑल कम्स अंडर मीडिया बिकॉज मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एवरी थिंग रेंजिंग फ्रॉम इवन अ फ़ोन कॉल जो आप हाँ फ़ोन कॉल भी करते हो वो भी आपकी मीडिया के अंदर ही आती है वर्ड मीडिया के अंदर ही ये सब कवर होता है फ़ोन कॉल टू द इवनिंग न्यूज़ ऑन टी वी इन सबको हम मीडिया ही बोलते हैं टी वी रेडियो न्यूज़ पेपर्स आर फॉर्म ऑफ मीडिया जो कि लाखों लोगों तक पहुँचते हैं मासिस तक पहुँचते हैं अक्रॉस द कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड सो दे आर कॉल्ड मास मीडिया जो आम जनता तक पहुँचती हैं खबरें पूरे संसा अब हम यहाँ पर बैठे हैं और विदेशों में क्या हो रहा है वो भी हम अपने यहाँ पर अपने घर के एक टी वी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो ये इसके ये पावर ऑफ मीडिया ही है जिसके थ्रू हम ये सब कुछ देख सकते हैं तो नाओ नेक्स्ट इज मीडिया एंड टेक्नोलॉजी कैसे इंटरकनेक्टेड हैं दोनों बिकॉज अगर आप ये सोचो कि आज की जो हमारी लाइफ है वट एवर टूडेज लाइफ वी आर लिविंग उसमें वी कैन नॉट एक्सपेक्ट आर लाइफ विदाउट मीडिया ठीक है बट केबल टेलीविजन एंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ़ द इंटरनेट इज़ अ रिसेंट फिनोमिन ये जो केबल है केबल टी वी है और ये जो इंटरनेट है ये सब तो अभी कुछ सालों से ही आए हैं नियर अबाउट ट्वेंटी ईयर्स इसी सालों से है। जब हम लोग छोटे थे तब ये सब तो था भी नहीं है ना तो ये अभी बीस सालों से ये सब चीज़ें ऐसी आई हैं तो द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजिस कीप्स चेंजिंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेक्नोलॉजी टू बी इन चेंज बिकॉज इट गिव्स अस मोर एंड मोर बेनिफिट जैसी जैसी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं उसकी वजह से हमें नया नया हमारा माइंड सेट होता है नई नई इन्फॉर्मेशनस हमें मिलती हैं हमारी नॉलेज बढ़ती है और हमें काफ़ी सा देखो पहले ज़माने में तो एक रेडियो तक भी नहीं होता था तो जैसे रेडियो का इन्वेंशन हुआ तो लोगों में कम्युनिकेशन का मीन बड़ा फिर टीवी का इन्वेंशन हुआ तो भी ज़्यादा कम्युनिकेशन हुआ ऐसे ही अभी जो न्यूज़पेपर है खाली ये न्यूज़पेपर तो नहीं है ना इसके ऊपर जो प्रिंट होता है वो भी एक टेक्नोलॉजी है ना जो प्रिंटिंग मशीन है दैट इज़ ऑल्सो अ टेक्नोलॉजी कि कैसे प्रिंट होके आता है न्यूज़पेपर हमारे पास तो ये सब टेक्नोलॉजी के अंडर आता है और जैसे जैसे टाइम डेवलप होता है टाइम आगे पास ऑन होता है टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी डेवलप होती है ठीक है न्यूज़पेपर टेलीविज़न एंड रेडियो कैन रीच मिलियन ऑफ पीपल क्योंकि उन सबकी टेक्नोलॉजी बड़ी सर्टेन है वो काफ़ी लोग मास पीपल के पास पहुंचते हैं वी आल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एज द प्रिंट मीडिया इसको अंडरलाइन करेंगे किसके अंडर आते हैं प्रिंट मीडिया के अंदर आते हैं और जो टीवी और रेडियो हैं दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई कैन आस्क यू एज वन मार्क एम दिस ठीक है सो वाई डू यू थिंक न्यूज़ आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया इट इज़ वेरी सिंपल बिकॉज इट नीड्स टू बी प्रिंटेड जो न्यूज़ हैं जो थाट्स हैं जो व्यूज़ हैं जो पोएम्स हैं जो स्टोरीज हैं जो, है, जो आर्टिकल्स हैं वो सबको लिखने की ज़रूरत है तो वो लिख लिख के तो नहीं करते हैं ना तो एक प्रिंटिंग मशीन होती है जिसमें वो सब प्रिंट होता है ठीक है ना तो ये टेक्नोलॉजी भी इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खाली न्यूज़पेपर बहुत आसान नहीं है कि हाँ न्यूज़पेपर आया नहीं न्यूज़पेपर प्रिंट होकर आया होता है तो प्रिंटर इज़ इट्स इज अ टेक्नोलॉजी जो कि मास मीडिया को काफ़ी सालों से उसने चेंज किया है और आगे भी इट विल कंटिन्यू मेकिंग चेंजेस ठीक है चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल इट ऑल्सो इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड द इमेज दैट यू सी बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस इट ऑल्सो चेंजेस द वेज इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइव्स फॉर एग्जाम्पल टुडे इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू थिंक ऑफ आर लाइफ विदाउट टेलीविजन टेलीविज़न हैज़ इनेबल्ड अस टू थिंक ऑफ आर सेल्फ एज मेम्बर्स ऑफ अर लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड अच्छा ये जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स है ये कैसे हमारी लाइफ को ईजी बना रहे हैं क्योंकि वी आर गेटिंग यू नो एवरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड ठीक है तो ये हमारे को बहुत फ़ायदा देते हैं कैसे अच्छा देखो पहले जो टी वी थे वो ब्लैक एंड वाइट टी वी आए थे ठीक है ना साउंड क्वालिटी वगैरह वॉज नॉट दैट मच परफेक्ट उसके बाद कलर टी वी आए थे फिर ये एल सी डी आए थे अब ये एल ई डीज हैं अब तो स्मार्ट टी वी हैं तो ये मतलब टेक्नोलॉजी कैसे कैसे डेवलप हो रही है और इसकी वजह से जो मास मीडिया है जो आम जनता है जो लोकल है जो क्राउड है जो पॉपुलेशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड दे आर गेटिंग मोर बेनिफिट्स तो हमें काफ़ी कुछ देखने को सुनने को इनकी वजह से मिलता है तो ये जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी है दैट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल टू अस ठीक है न हम यहाँ पे बैठे हुए भी हम अपने आप को ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा मान सकते हैं कैसे क्योंकि देखो अब वहाँ पे अमेरिका में इलेक्शन हुए ट्रंप हट गए हैं तो वहाँ पे बेविन आए हैं जो भी अब वहाँ पे जो भी चेंजेस हुए हैं वो हमें घर बैठे पता चले है ना तो ऐसे अब हमारे यहाँ कोई अमेरिका में बैठा है तो अभी जो मोदी जी का चल रहा है जैसे अब ये जो किसान आंदोलन चल रहा है रिसेंट हम उसको देख सकते हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू डेली टू सी दिस ना तो हम सब न्यूज़पेपर में और न्यूज मैगजीन्स uh, में और टीवी में ये सब हमें देखने को मिल रहा है ना हम लोग दिल्ली तो जा नहीं रहे हैं देखने के लिए कि किसान क्या कर रहे हैं बट देन टू वी आर इन टच विद इट वी आर फीलिंग एज वी आर मेम्बर ऑफ इट तो ये सब किसकी वजह से है जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हमें ये सब कुछ देखने को मिलता है टेलीविजन इमेजेस ट्रेवल यूज डिस्टेंस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स अब कैसे ये ये भी इंपॉर्टेंट है इसको अंडरलाइन करेंगे सैटेलाइट्स और केबल्स की वजह से कैसे टेलीविज़न इमेज यूज हो जाती है दूर दूर तक जाती है कैसे जो शो हम यहाँ पर देखते हैं वही शो कैनेडा और अमेरिका में भी देखा जाता है है ना दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स एंड केबल्स जो हम जो वहाँ का उनका फेवरेट शो है अगर वो हमें दिल्ली में देखना है बैठ के या मोरबी में देखना है बैठ के तो उसको भी हम अपने टेलीविजन पे देख सकते हैं बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स एंड केबल्स ठीक है ना तो ये जो ये किसकी वजह से? से है टेक्नोलॉजी की वजह से है दिस अलाउज अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पूरी जगह के पूरे संसार के सब कहीं के हम टेलीविजन प्रोग्राम्स न्यूज वगैरह देख सकते हैं मोस्ट ऑफ़ द कार्टून दैट यू सी ऑन टेलीविजन्स आर मोस्टली फ्रॉम जापान और यूनाइटेड स्टेट्स और हम यहाँ पे बैठे बैठे चेन्नई और जम्मू में बैठे बैठे, बैठे भी वी कैन सी इमेजेस ऑफ अ स्टाम दैट हैज़ हिट द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा इन द यूनाइटेड स्टेट्स ये फ्लोरिडा जो उनकी वहाँ की स्टेट है वहाँ पे वो समुद्र के किनारे हैं तो वहाँ पे स्टॉम्स जो आते हैं तो उसको भी हम अपने घर बैठे देख लेते हैं उसकी इमेज बिकॉज ऑफ़ टेलीविज़न टेलीविज़न हैज़ ब्रॉड द वर्ल्ड क्लोजर टू अस पूरा हम अपने एक कमरे में बैठ के लिविंग रूम में बैठ के हम टी वी देख रहे हैं एंड वी आर इन टच विद द न्यूज़ और इन एवरी चैनल्स तो हमें क्या लगता है कि वी आर ग्लोबली इंटर रिलेटेड विद ईच अदर वी आर ग्लोबली एसोसिएटेड विद ईच अदर ठीक है ना वी आर द मेंबर ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी ऐसा हमें फीलिंग होती है ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट है ये देखो एक पिक्चर में दिखा रखा है इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर जर्नलिज्म अंडो वेंट अ सी चेंज इन नाइनटीन फोर्टीज़ में ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर ऐसा होता था नीचे देखो अर्ली टेलीविजन भी दिखा रखा है जॉन एल्बर्ट बैठे हुए हैं इसके आगे ठीक है तो आज के टाइम में और तब से देखो अगर ये टेक्नोलॉजी वैसी ही रहती तो आज इतना डेवलपमेंट थोड़ी ना होती ये सब चेंजेस हुए हैं टेक्नोलॉजी में तभी इतनी डेवलपमेंट आगे आगे हमें देखने को मिली है अच्छा मीडिया और मनी क्या है कैसे कनेक्टेड है मीडिया है तो पैसा भी ज़रूरत है किस लिए पैसा ज़रूरत है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसको खरीदना उसको जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो इन्वेंशनस करते हैं तो उसके लिए भी उनको सामान चाहिए रहता है तो वो सब भी मीडिया मीडिया को रेस करने के लिए मनी भी बहुत जरूरी है गवर्नमेंट की हेल्प भी बहुत ज़रूरी है एंड इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ अर्निंग मनी मीडिया जो है खुद भी एक सोर्स है पैसा कमाने का कैसे वो हम इसमें पढ़ेंगे द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज़ आर एक्सपेंसिव सब कुछ बहुत महंगा होता है जस्ट थिंक अबाउट टी वी स्टूडियो जहाँ पे एक न्यूज़ रीडर बैठ के सिर्फ न्यूज़ रीड कर रहे होते हैं जब हम न्यूज़ चैनल देख रहे हो लेकिन वो खाली क्या न्यूज़ ही रीड कर रहे होते हैं नहीं इट हैज़ लाइट जो वो रूम होता है वहाँ पे लाइट कैमरा साउंड रिकॉर्डर ट्रांसमिशन सेटेलाइट एंड मैनी मोर थिंग्स आर देयर मैनी मोर डिवाइसेज आर देयर और एक स्पॉट लाइट्स होती है जो उनके फेस पे होती हैं इन सब चीज़ों का इट कॉस्ट लॉट ऑफ मनी है ना एक्सपेंसिव होता है ये सब कुछ तो इन न्यूज़ स्टूडियो इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज़ रीडर जिसको पैसे मिलते हैं बाकी पूरी टीम होती है ठीक है ना जो uh, क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं ना कास्ट और क्रू होती है वो सब कुछ ही उसमें इम्पॉर्टेंट होती है खाली सिर्फ एक वो न्यूज़ रीडर कोई पेमेंट नहीं करनी होती है तो इट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट तो जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं जिनके बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स होते हैं दे आर रिलेटेड विद इट ठीक है तो वो क्या करते हैं कि वो उन सबको पे करते हैं और उनके पास भी सब चीज़ों का पैसा कैसे आता है कि, कि किसी भी प्रोग्राम में आप देखते हो ना एडवर्टीजमेंट आती है आगे भी हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो एडवर्टीजमेंट इज़ द सोर्स ऑफ रेजिंग मनी इन मीडिया वो आगे आएगा ये भी टॉपिक ठीक है ड्यू टू दिस कॉज द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी तो जो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं सबकी सैलरी सबका काम सब की यू नो डिफ़रेंट टेक्नोलॉजीज़ एक टेक्नोलॉजी को दिखाने के लिए तो इसमें काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत होती है तो ये जो बिग बिजनेस हाउसेस होते हैं बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं जैसे अम्बानीज़ हैं है, है ना ये सब लोग जो होते हैं ये लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं मास मीडिया इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेस्ट टू मेक मनी मास मीडिया जो है जो आम जनता तक पहुंचता है उसमें हर तरीके से पैसा कमाने का जरिया बनाया जाता है वन वे इन विच द मास मीडिया आंस द मनी इज मैंने अभी बताया एडवर्टीजमेंट करते हैं एडवर्टीजमेंट वो किसी की भी होती है देखो अंडरलाइन करो कार्स चॉकलेट्स क्लोथ मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा मतलब इट कैन बी एनी थिंग ठीक है ना कितनी ऐड आती हैं आप एक दस मिनट का प्रोग्राम देखने बैठते हो तो, तो ठीक है उस एड से वो पैसा कमाते हैं यू मस्ट है नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट जब आप टी वी देख रहे होते तो हमें नहीं एडवर्टीजमेंट कम्स विद इन हाफ एन आवर ऑफ द प्रोग्राम कोई शो हम देख रहे हैं इवन वाई यू वॉचिंग अकेट मैच ऑन टी वी द सेम एडवर्टीजमेंट आर शोन रिपीटेडली

नाउ नेक्स्ट इज मीडिया एंड डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के साथ मीडिया का क्या कनेक्शन है इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एन द वर्ल्ड एक कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में जो भी तरह तरह के इवेंट्स हो रहे हैं जो भी कुछ भी हो रहा है उन सब के बारे में बताने के लिए डेमोक्रेसी और मीडिया इंटर रिलेटेड है कैसे इट इज़ ऑन द बेस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन कैन फॉर एग्जाम्पल लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क जैसे अभी मैंने आपको बोला वो जो किसान आंदोलन चल रहा है तो उसके बारे में जो हमें पता चल रहा है वो हमें न्यूज़ और उससे ही पता चल रहा है ना वी आर नॉट गोइंग टू डेली एवरी डे टू फाइंड द रियल ट्रूथ है ना तो वो क्या है और बट एक इसका एक बैड इफ़ेक्ट भी है कि जो मीडिया ये भी आगे शायद हमें पढ़ने को आएगा इस चैप्टर में कि वो लोग जो हैं वो अपना यू you नो know, अपने फ़ायदे वाली स्टोरी हम तक पहुँचाते हैं इट्स नॉट लाइक दैट वी आर गेटिंग जेनविन ट्रूथ फ्रॉम दैम तो ये भी है एंड ऑफन इफ़ दे विश दे कैन एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यू स्टोरीज अच्छा वहाँ वो चल रहा है मान लो अब हमारे मोरबी के किसान जागरूक हो जाएं वो यहाँ पे धरना देकर बैठ जाएं तो इट्स सम हाउ इफेक्ट्स दीज थिंग्स तो ये इससे फर्क पड़ता है लोगों को तो इसलिए ये सब डेमोक्रेसी में इंटर रिलेटेड है कि यहाँ पे यहाँ वाले कहे कि वह दिल्ली वालों की तो सुन रही पंजाब हरियाणा से लोग आए हुए दिल्ली सरकार ने तो हम भी यहाँ पे सारा ये मोरबी बंद करेंगे और हम सब हम लोग भी प्रोटेस्ट करने धरने पे बैठ जाएंगे ठीक है ना तो इट्स सम हाउ इफ़ेक्ट्स तो ये सब इसकी वजह से ही जो सिग्नेचर कैंपेनिंग है ये हमने पहले भी पढ़ा था क्या होता है ना कि सारे अपने जो व्यूज़ होते हैं वो एक टाइप कर लेते हैं पब्लिश कर लेते हैं उसके नीचे जितने लोगों की सहमति होती है तो दे देडरसाइन इट उनके नीचे सिग्नेचर्स हो जाते हैं और गवर्नमेंट को बोलते हैं दे शुड री थिंक अबाउट द प्रोग्राम जैसे ये किसान आंदोलन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल इन दीज डेज ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल उसी का चल रहा है गिवन द रोल दैट मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इन्फॉमेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इंफॉर्मेशन भी बैलेंस जो मैंने पहले आपको बोला ना

तो ये सोर्स ऑफ इनकम है उनके लिए और प्रिंट मीडिया ऑफर्स है लार्ज वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू सूट द टेस्ट ऑफ डिफरेंट रीडर्स प्रिंट मीडिया यानी अलग अलग मैगजीन्स जो बनाते हैं वो सब चीज़ें इसके अंडर आती हैं अच्छा नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर सेवेंटी देखो जिसमें एक ही कोई रिपोर्ट है क्रैकडाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज एंड क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेज अनरेस्ट तो ये uh, मतलब सेम जगह की रिपोर्ट है हम इसको थोड़ा सा रीड करते हैं वॉयलेंट प्रोटेस्ट बाय ओनर्स एंड वर्कर्स ब्रॉड द सिटी टूअर्स स्टैंड स्टिल टूडे पीपल गेटिंग टू वर्क कुड नॉट डू सो ऑन टाइम बिकॉज ऑफ यूज ट्रैफिक जैम्स द ओनर्स एंड वर्कर्स आर प्रोटेस्टिंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू closed down polluting factory units although the government did take this decision rather hastily the protesters have known for quite some time that their units are not legal moreover the levels of the pollution in the city will be greatly reduced by this closure Mr. Jain, a well known figure in the city, said, With our city gradually becoming India's news business hub, it is important that be it be a clean and green city. Polluting factories should be moved. The factory owners and fact workers should accept the relocation being offered by the government instead of protesting. ठीक है एक ये आया इस पैराग्राफ में अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और सेम ये दूसरे में देखिए दूसरे न्यूज़पेपर में क्या बोला गया है द क्लोजर ऑफ वन लैक फैक्ट्री इन द सिटीज रेजिडेंशियल एरियाज इज लाइकली टू बिकम अ सीरियस इशू ऑन मंडे थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्री ओनर्स एंड वर्कर्स टुक टू द स्ट्रीट सो स्ट्रांगली प्रोटेस्ट दिस क्लोजर देखो कितना डिफरेंस है उधर वो बोल रहे हैं कि हमारे सिटी में इतना पोल्यूशन हो गया है कि जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको बंद किया जाए और इसकी स्टार्टिंग लाइन में ही बोल रहे हैं कि अगर फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी तो ये एक सीरियस इशू है क्योंकि इसकी वजह से लोगों को काम नहीं मिलेगा सी द वे ऑफ प्रेजेंटिंग अ न्यूज़ तो ये दोनों में आप इसमें यही बताया गया है कि अच्छा आगे देखो दे सेट दैट देयर लाइवलीहुड्स वुड बी लॉस्ट क्योंकि एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा दे से दैट द फॉल्ट लाइज विद द मुंसिपल कॉरपोरेशन फैक्ट्रीज टू बी सेटअप इन रेजिडेंशियल एरिया और फॉल्ट बता रहे हैं गवर्नमेंट का कि रेजिडेंशियल एरिया में इन्होंने कैसे आ, ये सब सेट की हैं फैक्ट्रीज कैसे लाइसेंस इशू की हैं दे ऑल्सो से दैट देयर वर नो एजुकेट रिलोकेशन एफर्ट्स और उनको रिलोकेट करने का भी कोई जगह नहीं है द ओनर्स एंड वर्कर्स

टू us हैव नो फैसिलिटीज़ एंड हैव नॉट been डेवलप फॉर द लास्ट फाइव ईयर्स तो उनके उनकी ये राय है कि वो फैक्ट्रीज को कहाँ रिलोकेट करें क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी जगह है ही नहीं पांच साल में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई नहीं कि इन फैक्ट्रीज़ को मतलब प्रेजेंटिंग द वे टू प्रेजेंट द न्यूज़ इज कंप्लीटली डिफरेंट इन बोथ द न्यूज़ पेपर ठीक है ना वो बोल रहे हैं क्लीन सिटी और वो बोल रहे हैं कि स्टॉप रीलोकेटिंग फैक्ट्री सो दैट वी कैन नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट तो ये न्यूज़पेपर अच्छा इसके पीछे भी एक बड़ा पॉइंट होता है कि जो बिग uh, बिजनेसमैन होते हैं ना जो बिग एंटरप्राइजेज़ होते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेज दे होल्ड ये न्यूज़ न्यूज़ एजेंसीज तो वो अपने हिसाब से उसमें खबरें छपवाते हैं सो दैट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मैनी ऑफ द टाइम्स कम्स टू द मास मीडिया मास पब्लिक सॉरी ठीक है ना आम जनता के पास ये सब गलत इन्फॉर्मेशन आती हैं द फैक्ट इज़ दैट यू हैड रेड इधर न्यूज पेपर यू वुड नो ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी हमें एक ही साइड पता चलती है ठीक है ना तो इसी के बारे में एक्सप्लेन किया गया इसमें जो मैंने आपको बता दिया तो बैलेंस रिपोर्ट क्या है बैलेंस रिपोर्ट इज वन देट डिस्कस ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन लीव्स इट टू द रीडर्स टू मेकअ देअर पॉइंट्स अच्छा जो बैलेंस स्टोरी है इसको अंडरलाइन कर लेंगे बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है वो ये होती है कि जो ए, एक एक हुक एंड ऑल द नुक ऑफ द स्टोरी जो है एक एक पॉइंट को कवर करे ठीक है और फिर वो हमारे ऊपर है रीडर्स के ऊपर कि वेदर वी आर एग्री टू इट और व्हाट काइंड ऑफ माइंड वी वॉन्ट टू मेक आफ्टर दिस दैट स्टोरी ठीक है ना तो ये हम फिर हमारे ऊपर रहता है लेकिन ऐसी रिपोर्ट बहुत कम ही होती है राइटिंग का बैलेंस रिपोर्ट हो डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट राइट इसका एक और ये है कि अगर जो इंडिपेंडेंट न्यूज़ एजेंसी है जिसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है तो वो तो फिर अपनी सारी रिपोर्ट्स डाल देंगी कुछ भी जो उनको बोलना है लेकिन अगर उनके ऊपर किसी का प्रेशर है बिग इन्फ्लुएंसर का तो फिर वो वो रिपोर्ट वो नहीं कर पाएगी जैसे सुशांत सिंह का केस चल रहा था इतना रिपब्लिक भारत ने बड़ा उसका साथ दिया था बट अभी तक कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकला था है ना तो एक एग्जांपल एक ऐसे हम अपनी लाइव लाइफ से जो एग्जांपल्स लेते हैं ना दैट मेक मेक्स अस वेरी कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स है ना तो ये होता है नो वन शुड टेल द मीडिया वॉट कैन बी इंक्लूडेड अच्छा जब उनको पूरा राइट है कि वो उनको कोई ज़बरदस्ती आके उसमें एडिशन ना कराए स्टोरी में तो दे कैन गिव अस फ्री इंफॉर्मेशन एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन ठीक है तो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट द मीडिया प्रोवाइड दैट वी टेक एक्शन एज सिटीज़न वो जो हमें मीडिया इन्फॉर्मेशन देता है फिर हम एज अ सिटीजन उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं सो इन्फॉर्मेशन शुड भी रिलायबल एंड नॉट बाएसड ठीक है ना खरीदी हुई नहीं होनी चाहिए सच ही होनी चाहिए हवेवर द रियलिटी इज दैट मीडिया इज फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजन ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिसन केयरफुली एवरी वन द फर्स्ट इज द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज़ ऑन द मीडिया सरकार का जो कंट्रोल है वैन द गवर्नमेंट प्रीवेंट्स इधर आइटम और सीन फ्रॉम अ मूवी और द लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग फ्रॉम बींग शेयर विद द लार्ज पब्लिक दिस इज रेफर टू सेंसरशिप ये आपने सुना होगा ना सेंसर ने वो सीन काट दिया दैट वॉज नॉट रिलायबल इन द मूवी तो वो गवर्नमेंट का पूरा हक है उसमें कोई ऐसी न्यूज है जो वायलेंस है जिसमें ज़्यादा वो नहीं टी वी पर लॉन्च होनी चाहिए वो नहीं आनी चाहिए कि बच्चे ना देखे उसको तो ये सब जो क्या करती है ये सब गवर्नमेंट <coughs> गवर्नमेंट करती है ऑफ दिसमरजेंसी बिटवीन नाइन सेवन एंड सेवन सेवन दो साल की इमरजेंसी हमारे देश में लगी थी वेन इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ठीक है ना तो ये जो है गवर्नमेंट का रोल होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इमरजेंसी के बारे में अगर आप लोग कभी आपको टाइम हो आपने सुन रखा हो आपके पेरेंट्स को ज़रूर पता होगा ठीक है ना तो ये उस टाइम पे दो साल की इमरजेंसी आई थी जब जिसकी वजह से काफ़ी ह्यूमन राइट्स का जो था वायलेशन हुआ था बहुत बुरा हाल हुआ था हमारे इंडिया का ठीक है तो आगे वॉट डज टी डू टू अस एंड वॉट कैन वी डू विद टी तो ये देखो टीवी में खाली सीरियल देखना ही नहीं रहता ना सब कुछ ये सारे सीरियल्स के नाम दे रखे हैं सिंस टीवी टाइम कॉज सो मच मनी ओनली दोज प्रोग्राम्स दैट कैन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूअर्स आर शोन कैन यू थिंक को व्हाट्स एच प्रोग्राम्स माइट भी लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना क्योंकि हर किसी की इंडिपेंडेंट चॉइस है दे आर फ्री टू थिंक बच्चों को कार्टून पसंद है लेडीज़ को सीरियल्स पसंद है जेंट्स को न्यूज़ चैनल्स पसंद है तो वो सब तो चले गए। तो इसीलिए वो जो केबल टी वी जो डिश टी वी जो वीडियो कॉन वो सब क्या हैं डी टू एच वगैरह वो सब हमें हमारी चॉइस के सारे चैनल्स हमें दिखाते हैं न वी नीड टू थिंक अबाउट वॉट टी वी इज डज टू अस टी वी हमारे लिए क्या करता है हाउ इट शेप्स और आर व्यूज़ ऑफ़ द वर्ल्ड हमारे बिलवस को हमारे एटीट्यूड्स को हमारी वैल्यूज़ को कैसे टी वी इफेक्ट करता है डेफिनेटली करता है वी नीड टू रिला बच्चे जो कार्टून देखते हैं उनकी टोन जो होती है छोटे बच्चों की कार्टून वाली ही हो जाती है बात करने की तो इट रियली इफेक्ट्स अस है ना तो वो इन सब चीज़ों का इफेक्ट आता है बच्चों पर भी है ना तो ये सब जो है गिव एंड टेक है बट इट इज़ It has become very essential part of our life. Media, jo hai, TV, jo hai, newspaper, internet, everything. Moving on. While the government does continue to censor films, it does not really censor the media's coverage of news. Despite the absence of censorship by the government, most newspapers nowadays still fail to provide a balanced story. As I have already told you, balanced story is not coming to us. We are getting biased news. है ना बिकॉज ऑफ़ द प्रेशर ऑफ द बिजनेस एंट्रप्रीनियर्स और बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट क्योंकि देखो कहीं का भी आप इग्जाम्पल हो जब कहीं पे कुछ होता है कोई हादसा होता है कोई एक्सीडेंट होता है कोई इंसिडेंट होता है कोई यू नो काइंड ऑफ स्टेट वॉर हो जाती है कुछ भी ऐसा हो जाता है तो वहाँ पे जितने लोग मारे जाते हैं जो कुछ हो जाता है वो सब हमें एग्जैक्ट नंबर कभी भी नहीं बताए जाते हैं दे हाइड इट फ्राम पीपल सो देट इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री कि कहीं और जगह ये सब दंगे फसाद ना शुरू कर दे इसलिए जो रियल इंफॉर्मेशन होती है वो हाइड की जाती है तो समटाइम्स तो इट इज़ फॉर बेनिफिट ऑफ अस एंड समटाइम्स यू नो वी आर गेटिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से भी Uh, ज़्यादा लोग इसके अगेंस्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं एट टाइम्स इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस बिजनेस टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी दे प्रोवाइड ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरीज तो मीडिया नीड फॉर मनी एंड इट्स लिंक्स टू एडवर्टाइजिंग मीन्स दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मीडिया टू बी रिपोर्टिंग अगेंस्ट पीपल हु गिव दैम एडवर्टीजमेंट तो जो उनको एड देते हैं जिनके एड जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जिनकी वो एड डालते हैं एक सीरियल में तो वो उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं करते हैं बिकॉज दे आर अर्निंग मनी फ्रॉम देम, है ना? तो ये भी एक इसका हमें शॉर्टेज है ये भी हमें इसका एक माइनस पॉइंट है है ना बिसाइड्स द अब द मीडिया आल्सो टेंस टू फोकस ऑन ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ ए स्टोरी बिकॉज दे बिलीव दिस मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग Also, if they want to increase public support for पब्लिक issue they often do this by focusing on one side of it they present it in such a way ki logon कि लोगों को उसी में इतना इंटरेस्ट आ जाता अच्छा है अच्छा अभी जो सेटिंग एजेंडाज है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि देखो जो उनको बेचारों को कुछ ना कुछ एजेंडा ना इसे सेट करके रखने पड़ते हैं दे आर नॉट लिबरल टू शो दैट उनको इतनी फ्रीडम नहीं है बट देन टू जो मीडिया है वो कई बार ऐसे जैसे वो इसमें पिक्चर में हमें दिखा रखे हैं कोका कोला के बारे में तो जो इसमें बोलते हैं कि कई ऐसी ड्रिंक्स हैं कितनी सारी ऐसी कोलाज हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं तो वी शुड नॉट टेक इन लार्जर क्वांटिटी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए तो ये मीडिया ने हमें बताया ऐसे ही एक बार मैगी का भी आया था इफ़ यू रिमेम्बर कि मैगी में नुकसानदायक कुछ है इंग्रेडिएंट्स जो कि बच्चों की हेल्थ को प्रॉब्लम देते हैं बट वो बाद में इशू क्लियर हो गया था उसको सर्टिफिकेशन मिल गया था कि इट इज़ गुड टू इट इसका कुछ ऐसा है नहीं कि जो बच्चों को नुकसान पहुँचाएगी लेकिन अगर ये मीडिया ना हो तो हमें तो ये सब चीज़ें पता ही नहीं चलेंगी है ना तो उन बेचारों के भी कुछ ऐसे एजेंडाज़ रहते हैं जैसे मान लो अब हमारे स्कूल का कोई एनुअल डे है ठीक है हमारे स्कूल का या किसी भी स्कूल का कोई एनुअल डे है तो एनुअल डे इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू तो कवर बाय मीडिया ठीक है ना बट वो क्यों कवर करते हैं बिकॉज ऑफ द चीफ गेस्ट वी कॉल इन आर स्कूल जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं ये एजेंडाज़ होते हैं जो मान लो अब हमारे स्कूल में कोई सेलिब्रिटी आ रहा है हमारे एनुअल डे में वो मीडिया को पता चलेगा तो डेफिनेटली इट विल कम टू कवर आवर एनुअल डे ताकि उनको उनको भी पब्लिसिटी मिले और हमारे स्कूल का भी नाम हो तो ये सब एजेंडाज रहते हैं प्राइवेट सेक्टर में जो कि मीडिया कवर करती है वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रू आर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड ये जो मैंने अभी कोला ड्रिंक्स का बताया तो इसका वो है एक और आगे है दे आर आर सेवरल इंस्टेंसेज वेन द मीडिया फेल्स टू फोकस ऑन इशूज दैट आर सिग्निफिकेंट इन आर लाइफ वो वो फोकस करने से रह जाते हैं जबकि वो इसी मीटिंग में रह जाते हैं एजेंडा फिक्स कर फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री पानी की समस्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ़ पीपल सफ़र एंड डाई सालों साल इतने हर साल इतने लोग मरते हैं गंदा पानी पीने से बीमार होकर ठीक है ना उनको पीने का पानी नहीं मिलता वी सेल्डम फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग दिस इशू मीडिया ये इशू का भी डिस्कस नहीं करती है और वो कोई फिल्म स्टार आ जाए एयरपोर्ट पे जाके कवर करेंगे उनको और उनका कोई लैक में फैशन वीक हो वहाँ पे एक एक पॉइंट हमें देंगे तो इन सब चीज़ों का भी रॉन्ग हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है जो जो फैशन वीक होते हैं जिसमें जो क्लोथ डिज़ाइनर हैं वो अपनी नई क्रिएशन वो किसके लिए करती है मीडिया कवर ताकि अमीर लोग उन लोगों से अट्रैक्ट हो मॉडल से कि उन्होंने कितना अच्छा पहना हुआ है एंड दे शुड बाय दैट ब्रांडेड प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स uh, जो भी हैं उनके ठीक है ना तो वो उसको हेल्प करते हैं उनमें तो ये ऑलरेडी सेट होते हैं इनके एजेंडाज ठीक है ना एज सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी द मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आरलाइज बिकॉज इट इज़ थ्रू द मीडिया दैट वी हियर अबाउट इशूज रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट उसके बारे में भी हमें पता चलता है द मीडिया डिसाइड्स व्हाट टू फोकस ऑन एंड इन दिस वे इट सेट्स द एजेंडा द गवर्नमेंट कैन एट एनी एट टाइम्स प्रिवेंट द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग अ स्टोरी एंड दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप ये सब न्यू वर्ड्स हैं ना शायद आपके लिए तो ग्रॉसरी वाले वर्ड्स अच्छे से पढ़ लेंगे कि जो गवर्नमेंट का जब वो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से किसी न्यूज को रोक लेती है तो दैट इज कॉल्ड सेंसरशिप ना वेज मीडियाज क्लोज रिलेशनशिप विध बिजनेस ओफन मीन्स दैट अ बैलेंस रिपोर्ट इज डिफिकल्ट टू कम बाय मैंने पहले भी बोला ना कि बैलेंस रिपोर्ट का आना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो मीडिया है वो उनके प्रेशर में है बिजनेस मैन के जो बिग बिजनेसिस होते हैं उनके गिवन दिस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर दैट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट अटवाइड इज ऑफर नॉट कंप्लीट एंड कैन बी वन साइड एक साइड की स्टोरी हम तक पहुँचती है वी देयर फोर नीड टू एनालाइज द न्यूज़ बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन वॉट इज द इंफॉमे आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट वॉट इन्फॉर्मेशन इज नॉट बींग प्रोवाइडेड फ्रॉम हूज पॉइंट ऑफ व्यू इज द आर्टिकल बींग रिटर्न एंड हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ being लेफ्ट आउट एंड वाई तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में रह ही जाते हैं है ना कि हमें जो जब हमें कि जो हमें दिखा रहे हैं वो सच है कि नहीं है शायद ये किसी के प्रेशर में आके आधी न्यूज़ बता रहे हैं जो अदर साइड है वो हो सकता है वो विक्टिम ना हो वो अच्छा हो बट हमें वो साइड नहीं दिखाई गई है तो ये सब चीज़ें और ये ये सब तो बेटा इस लाइफ में चलता ही है ना कि प्रेशर भी रहता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है पैसा भी कमाना है सबको करप्शन भी थोड़ा बहुत रहेगा ही रहेगा ठीक है ना तो इट इज़ लाइक दैट सो दैट्स इट इन द चैप्टर आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर टुमारो व्हाट्सो एवर विल बी योर डाउट आई विल मेक क्लियर टू यू ओके बाय हैव अ नाइस डे